भाई इसको ना ठुड़का दूंगा देखो किसी एक बार बोल रहे एक बार जिम कर लो वैसे और ना वैसे चलो साइड साइड हो साइड एक्सक्यूज मी हेलो ब्यूटीफुल हाउ आर यू आपको मम्मी ने पागल बोला बेटा अब ये बताओ अब बिहाने के लिए पागल खाने जाऊंगा तो पागल ही मिलेगी ना तो मैं मेरे को पागल बनना पड़ेगा ना पागल ही पसंद आई ना मैं क्या कर सकता हूँ ए पागल बीच में मम्मी लठ मारेगी क्या बोला पागल खाने जाओ खाने के लिए तो दीदी ने बना दिए हैं नमकीन जवा हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द वीडियो स्वागत है आपका आज की वीडियो में गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा सॉरी डीजल थोड़ा सा कम हो वो डलवा लेता हूँ उसके बाद थोड़ा सा सामान लेना है फिर घर पे जाऊंगा यार देख रहे हो गर्मी कितनी ज्यादा हो गई है जिम से निकला हूँ और डीजल भरवाया है और पसीना अब भी नहीं रुक रहा गाड़ी का एसी में भी एक पे चल रहा है लेकिन चलो बढ़िया है पसीना तो निकल रहा है दूसरा गर्मी के संकेत बहुत ज्यादा है और मैं तो पंखा ही चला के सोता हूँ बट क्या है कि जो प्रीत है उसको ये बोल रखा है कि बिना पंखा के सर ढक के बढ़िया तरीके से एक सवा महीने ऐसे रहना है उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत सुधार करना पड़ेगा मतलब कि फैसिलिटी देनी पड़ेगी जैसे पंखे की एसी की लेकिन अभी के लिए सब कुछ बंद तो उसको तो सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लेकिन मैं तो पंखे में सोता हूँ तो मैं सो जाता हूँ कोई दिक्कत नहीं है हाँ बुराई बुराई तो तेरी कमेंटों में आ रही है कमेंट ज्यादा बोलती है ऐसे और हाँ ये क्या कौन सा कैमरा क्या 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 कैसे हर कोई ब्लॉगर बनेगा क्या चलो चलो ना ना चलो पहले अब नया नया हूँ मैं नया नया हूँ ब्लॉगर हूँ तो हम भी इससे हट जाते हैं ऐसा ना हो लपेटे में हम ही आ जाए पहला ब्लॉगर घर का दूसरा ब्लॉगर तीसरा ब्लॉगर तीसरे में थोड़ा सा दम है लेकिन हैं ये साक्षी क्या बनोगे बेटा बड़े होके पता नहीं सही बात है अभी क्या पता है ना है ना और मम्मी आप बड़े हो गए अरे आप तो बड़े हो गए एली एली ने पूछो एली बड़े होके क्या बनेगी अपने पापा के नाक में दम करने वाली है मेरे नाक में दम मत करिए बेटा ठीक है तो मेरी प्यारी सी बेटी अली आपने अपनी जिद पूरी कर ली ना नहीं जाने दिया मेरे को जिम हाँ तो अब थैंक यू नहीं बोलोगे हाँ वेल भी बोलोगे हैं मेरे को ये बताओ सब इतना जो मेरे पे उसमें व्लॉग में भड़क रहे हैं सही भड़क रहे हैं सुधर रहे हो गया एक कुछ तो ऐसे कर रहे हैं कि ऐसे ही होते हैं हाँ मैंने वो कमेंट पे ज्यादा गौर से ध्यान दिया वो एक लड़की की कमेंट थी बहन ये आदमी ऐसे ही होते हैं तो उनको बताओ यार ये ऐसे ही होते हैं इनको सुधार के रखना पड़ता है उनको बताओ ये मेरा पति धर्म से बंधा हुआ है नहीं, उसको मेरा कोई चीज कोई भी चीज जिद से नहीं धर्म से उसको इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज मस्का नहीं सकती नहीं तुमसे तो धर्म है ना क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो राइट पत्नी धर्म निभा रहे और रुला के अरे तो मेरे को क्या एहसास होगा कि मतलब मेरे जिम जाने से तुम्हें मैं कैसे सोच पाऊंगा कि तुम्हें किस टाइम पे टाइम की जरूरत है मेरे को तो हर टाइम भाई इसको ना ठुड़का दूंगा देखो एक बार बोल रहे हैं एक बार जिम कर लो वैसे वैसे चलो साइड साइड हो साइड एक्सक्यूज मी हेलो ब्यूटीफुल हाउ आर यू तुमसे हाँ इसके होंठ देख लो नाक देख लो आंखें तुम्हारी तरह हैं लेकिन हर चीज और मेरे पे क्या गया आप पे इसकी नौटंकियां बाल मेरे पे गए मेरे बाल तो स्मूथ अच्छे हैं और स्ट्रेट है और हाँ जुए ना है जुए इनके पढ़ दिए आज ना कल ना नानी इनके लीखे निकाल दी हाँ तो गाइस ये है कि जैसे मैं बताती हूँ क्या मेरे को शायद एक दो जुए लग गए क्योंकि हॉस्पिटल में जुए नहीं मतलब वो जो फास फास हाँ वो जो होती है क्योंकि 10 दिन में वो ये नहाना नहीं था स्टिचेस वगैरह थे और वहाँ पे भी हॉस्पिटल में तो 10 दिन में सर धुला कंघी भी नहीं करनी थी तो वो 2-4 लग गई होंगी
तो वो तो मतलब कि कहते हैं कि जब जच्चा बच्चा को लग जाती है तो वो तो हो गया। और वही है, एक इचिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं होती, पता ही नहीं था कि भाई कुछ है सर में। हाँ ये चीज़ तो है, क्योंकि एक तो जब यहाँ से गई थी उस टाइम पे भी है ना, क्योंकि उस टाइम दो दिन पहले सर धोया था मैंने और 3 दिन वहाँ पे कोई सर नहीं धोवा। देन उसके बाद यहाँ पे तुम 6 दिन बाद डॉक्टर के पास गई हो, तो उस दिन भी मुंह ही धोकर गई, तो उस दिन भी नहीं, तो डोंट वरी। तो 9-10 दिन बाद सर धोया, तो कोई नहीं ये चलो। वैसे भी मेरे बाल डैमेज हो चुके हैं, अब अन्नी का खर्चा होने वाला है। मैं थोड़ी ठीक हो जाऊँ, स्टिचेस ठीक हो जाएँ, तो मैं हेयर कलर, रिबॉन्डिंग और थोड़ी सी कटिंग भी करवाऊँगी और फेशियल वगैरह तो मैं घर पे कर लेती हूँ। तुम्हें क्या अच्छी लगती है? क्या खुद कमा रही हो और बाद में बोलती हो कि खर्चा मेरा हो रहा है? हर चीज तो है तुम्हारे पास ना, तो मेरे को देखो देखो यार, मतलब खर्चा पति का ही करवाना, अच्छा खुद कितना ही कमा रही हो यार। अच्छा लगता है पति का खर्चा, अच्छा नहीं लगता मतलब यार मेरे को ना, मेरे चाहे मेरे अकाउंट में भरा पड़ा हो, पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि अन्य से पूछ के करूँ कुछ भी करूँ। इसने जो बोल दिया है ना अकाउंट में भरा पड़ा है, इसको भी ये भूल गई है शर्त को, और मेरे को अच्छी तरीके से याद है तो वो अभी निकलने वाला है, और वैसे भी अभी खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो जरूरत पड़ने वाली है। मैं कोई डर नहीं रही, ठीक है कोई नहीं, जो शर्त हार गई ले ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि जब मेरे को नीड होगी मैं तब ले लूँगा, मैं कहा ठीक है अभी 2-4 दिन में लेंगे, ये ले लेंगे। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैंने शर्त बोल लगाई थी वो मैं हार चुका हूँ, तो कोई नहीं अपने इंटरेस्ट के साथ ले, कोई दिक्कत इंटरेस्ट क्यों हो, क्योंकि मैं तो अभी कह रही हूँ अभी ले लें, शर्त तो शर्त है। अब मैं हार गई तो कोई नहीं। मैं कह रही ना वो डाउट्स हो कुछ सपना। अच्छा एक मिनट, तो साक्षी देख रही टीवी, खुशी भी टीवी देख रही है, और सोनिया मेरे को भी अपना सपना बताएगी सीक्रेट है, तो अभी बात करते हैं। और ये मम्मी है, ये हर टाइम फोन देखती रहती है, ये सारे ब्लॉगर को जानती है, सारे वीडियो बनाने वाले को जानती है, सारे सबकी वीडियो देखती है। अच्छी तो बात है। अच्छा अभी तुम्हारे देख रही है, अबे यही तो बनाया था, यही बनाया, यही देख रही है, व्यूअरशिप बढ़ा रही है, मैं सपोर्ट कर रही है। तो फिलहाल मैं टाइम पास कर रही हूँ। टाइम पास कर रही हूँ। पापा मुझे आपके कौन नाम पता चल गया। क्या क्या बेटा बोल तो पापा बोलते थे सप्रोटा सप्रोटिया वो तो नहीं सप्रोटा सब पता है इनका, मैं किसी से कुछ छुपाता नहीं, यही तो मेरी खासियत है। तो एक चीज तुमने छुपाई थी जो मैंने बोल दी सबके साथ, ये वीडियो में बोलती है ऐसे नहीं। और रेटू नहीं अब अभी मैं इसको बोलता हूँ, यही तो मेरी खासियत है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कोई चीज निकनेम्स होते हैं या फिर कोई चिड़ होती है उसमें बोलने में, यार किसको शर्माती है, कोई दिक्कत नहीं है आपको मम्मी ने पागल बोला। बेटा अब ये बताओ, अब बिहाने के लिए पागल खाने जाऊंगा तो पागल ही मिलेगी ना, तो मैं मेरे को पागल बनना पड़ेगा ना, मतलब पागल ही पसंद आई ना, मैं क्या कर सकता हूँ, ए पागल मत बीच में मम्मी लठ मारेगी, क्या बोला पागल खाने जाओ बिहाने के लिए। मम्मी एक बात बता, तुम जैसे मतलब कोई बात होती थी ना, मैं थोड़ा सा मतलब किसी चीज में डरा देता, मैंने कहा इसने दिमाग खराब कर रखा है, ये कर रखा है, तो पहले शादी से पहले तो जब मम्मी बोलती थी कोई बात नहीं बेटा, बेटी भी बाप की घर से है। कोई दिक्कत नहीं देखता। तो दीदी ने बना दिए नमकीन जवा, हाँ मीठे वाले मुँह बढ़िया लगे, इतने से तो मैं भी खा सकती हूँ, इतने से तू भी खा सकती है ना, ये तो आटा थोड़ी सूजी है, थोड़े से। तो दीदी ने बना दिए नमकीन जवा, जवा ना नमकीन जवा, उसने भी ले लिया। हाँ जी देखो अभी ये डाइट की बता रही थी कि मेरे को कुछ नहीं दे रहा, अब देखो यहाँ पे जबरदस्ती, क्योंकि बंद करो ये ना सब कुछ खा रही है, सब कुछ खा रही है। तो अभी खाना खा लेते हैं, ये नमकीन जवा, इसके बाद रोटियां बनेंगे और फिर सो जाएंगे। तो उससे पहले सोचा आपको बाय बोल दूं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय 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 गर्ल्स। इसके मुंह में